हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि सुगम हमें इस लॉकडाउन में कुछ ऐसा बताएं कि हम एज आ डिनर ले सकें, क्योंकि लंच में प्रॉपर क्या होता है कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है और बहुत सारी वैरायटी हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन डिनर हमारा एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी क्रेविंग भरा टाइम है और हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी और फुल ऑफ फिलिंग और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन लेना होता है कि नाइट में जो हमारे फैट के रूप में भी ना बदले हमारी बॉडी में, और साथ ही साथ हमारा पेट भी भरा रहे, हम टेस्टी भी खाएँ, यम्मी भी खाएँ और हमारी जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ ये डिश शेयर करने वाली हूँ। फुल ऑफ प्रोटीन है, फुल ऑफ फाइबर है और बहुत ही यम्मी और लो कैलोरी है। सबसे बड़ी बात ये है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो। गाइस, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 टमाटर लेना है। ये मैं एक लोगों की क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लोग खाने वाले हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी लीजिएगा। मैंने मीडियम साइज़ के लिए है, आप चाहे तो बड़े साइज़ के ले सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत अच्छे वॉश करना है और एक क्लीन पैन में आपको इसमें पानी डाल के इसे बॉयल करना है, और तब तक बॉयल करना है जब तक ये बीच से यानी कि स्किन जो है वो आपको उतरती हुई ना दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं जो स्किन है वो उतरने लगी है। तो आपको इसे तब तक बॉयल करना है जब तक अच्छे से स्किन टमाटर से अलग ना हो जाए, वो आपको पता चल जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो आपको इसे तब तक बॉयल करना है और इसके बाद आपको एक पैन में, और वो जो टमाटर हैं आपको उसे ठंडा होने के लिए रख देना है, उसकी स्किन को आपको पील ऑफ कर लेना है, देन आपको उसे मशीन में पीस लेना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि उसे ठंडा होने पे ही पीसिएगा, वरना मशीन से है जो हैंड ब्लेंडर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिक्सर में उसे पीस रहे हैं तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, ठंडा होने पर पीसिएगा। मैं यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो देसी घी ही यूज़ करिएगा, और ज़्यादातर लोग व्रत में देसी घी यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग तीखा रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक मीडियम उसमें तीखा खाती हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ, जो बहुत तीखी नहीं है, ठीक ठाक है। सो मैं इसमें 2 तीखी मिर्च डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो पल्प रेडी किया था यानी टमाटर को पीस लिया था, आपको वो पीस के इसी कढ़ाई में डालना है और थोड़ी देर बॉयल करना है, यानी कि जब तक ये थिक ना हो जाए। आपको जिस भी क्वांटिटी में चाहिए उसमें आपको थिक करना है। 5 मिनट लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा कम क्वांटिटी में है तो आपको 5 मिनट लगेगा। धीरे आँच में ही करिएगा, थोड़ा सा थिक क्वांटिटी आपको खाने में भी बनेगा। आप चाहे तो पतला रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थिक खाती हूँ इसीलिए मैं थिक क्वांटिटी में ही इसे बनाती हूँ। इसके बाद आप जिसमें भी इसे निकालना चाहें, मैंने एक सर्विंग बाउल में इसे लिया है और एग्जैक्ट इतनी ही क्वांटिटी मैं रेडी करती हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं 5 टमाटर में इतनी क्वांटिटी रेडी हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग डबल कर सकते हैं, बड़े साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग करेंगे इसकी। गार्निशिंग के लिए मैं इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी, लेकिन अगर आप इसे नाइट में लेंगे तो प्लीज़ ध्यान करके 7-7:30 के बीच ले लीजिएगा, इसके ऊपर बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर लंच में ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर जो लो फैट वाला पनीर होता है, मैं वो वाला पनीर ले रही हूँ। आप अगर नॉर्मल पनीर अगर लंच में लेंगे तो नो प्रॉब्लम, या ये डिश आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ढेर सारा हरी धनिया डालूंगी, क्योंकि हरी धनिया का स्वाद और फ्लेवर और खुशबू मुझे पसंद है। आपके मन पर है, आप डालिए ना डालिए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल लग रहा है, और आप अपने लाइफ में खाने में जितना ज़्यादा कलर ऐड करेंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा अच्छे सिग्नल आपको देगी। इसे इंजॉय करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा खाने में। देखा, यम्मी सी, टेस्टी सी और बहुत ही चटपटी सी इस डिश को आप बनाइए, खाइए और देखिए कि कितनी जल्दी आपका इस डिनर के साथ वेट लॉस होता है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।